चर्चा के लिए दिया, प्रदेश और केंद्र की योजनाएं और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारा मार्गदर्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो जो काशी में पिछले कुछ अरसे में जो परिवर्तन हुआ है सारा डेवलपमेंट की दृष्टि से, इतने सारे प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल ही बदल गया। और वहाँ खासतौर से जो नौका विहार और उसके साथ साथ में नई चीज़ों की एडिशन वहाँ पर की गई है, उस कारण से वो धार्मिक आस्था का तो एक बहुत बड़ा केंद्र है ही, लेकिन उसके साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा केंद्र अब बन गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बहुत लंबे अरसे से नहीं हुई थी, लगभग 2 वर्षों से जब से कोविड का दौर आया, तो अभी बैठक हुई। तो हमको अपने प्रदेश की सारी जो योजनाएं हैं, योजनाओं के साथ साथ में जो हमारे कार्य चल रहे हैं उनके संदर्भ में बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की योजनाएं और उसके बाद आगे रोड मैप किस प्रकार से हमको काम करना है, किस प्रकार से हम सब लोगों को एक मजबूत भारत का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना है, उन सारी चीजों को लेकर के बहुत विस्तार से बातचीत। विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए कि मुख्यमंत्री जी सदन को छोड़कर चले गए, तमाम बातें हम विपक्ष को बता करके गए थे। विपक्ष के नेता अगर आगे नहीं बताते हैं, सबको बताना तो संभव नहीं था कि मैं सबको ही बुला करके बताता, लेकिन मैंने विपक्ष के नेता को बहुत पहले ही सूचना दे दी थी। जिस दिन मुझे इस बैठक की जानकारी मिली उसके पश्चात हमारा मिलना जब हुआ यहाँ पर, तब मैंने उनको बताया था कि मुझे 13 तारीख को जाना है और उसके बाद मैं 15 तक आज भी, हालांकि कार्यक्रम का एक हिस्सा मैं छोड़ करके आया हूँ, यही सोच करके कि विधानसभा का सत्र चला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए यहाँ पहुँचा हूँ। बाकी मुख्यमंत्री आज भी उस कार्यक्रम में हैं। सर, सरकारी संपत्तियों बेचने के आरोप जो हैं कल विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं, किस संपत्ति की बात कर रहे हैं? वो जहाँ टूरिज्म के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने सिर्फ और सिर्फ जो है चलाने के लिए, उनको संचालित करने के लिए 2-3 जगह हमने कुछ प्रोजेक्ट्स को काम देने की बात कही है, उसको बेचना नहीं बोलते हैं। मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार ही रहेगी और जब ऐसा लगेगा कि वो ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकते हैं, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, लीज को, लीज पर जो दिया जा रहा है काम करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, वापस लिया जा। मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार ही रहेगी और जब ऐसा लगेगा कि वो ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकते हैं, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, लीज को, लीज पर जो दिया जा रहा है काम करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, वापस लिया जा सकता है और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के शर्तों के मुताबिक चलेगा। और मैं विपक्ष वालों को इस बात के लिए पूछना चाह रहा हूँ, वाइल्ड फ्लावर हॉल ये क्या वजह रही सरकार की, मैं कह सकता हूँ कि 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है एक प्राइवेट कंपनी को दे दी और उसमें से क्या हासिल हो रहा है, इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो इसलिए बेचने वाले तो वो हैं और उनका बस चलता है तो वो बहुत कुछ बेच देते हैं, लेकिन तब तक के लिए सारी चीज़ें उनके बस में रही नहीं। शुक्रिया।